दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित होने वाला की संख्या 1,62,300 पार, 40,643 गोटे सक्रिय संक्रमित। डडेलधुरा अस्पताल में आईसीयू सेवा नहीं रहला के कारण कोरोना संक्रमित के इलाज होबा नहीं सकल, गंभीर प्रकृति के रोगी के दोसर ठाम रेफर कर पड़वाक बाध्यता। पावन तिहारक समय में दक्षिणा बैंकिंग कारोबार में डिजिटल प्रविधि अपना पर नेपाल बैंकर्स संघ के जोड़, कोरोना जोखिम न्यूनीकरण के लिए डिजिटल कारोबार में प्रोत्साहन। कोरोना वायरस विरुद्ध के वैक्सीन ट्रायल समापन से पहने हैं प्रयोग में लाउल गेल, वर्षक अंत धैर्य 61 करोड़ डोज उत्पादन करवाक चीनक अपेक्षा। आ मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेटक प्ले ऑफ नजदीक, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की 5 विकेट से हरौलक। आप पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित होबे वाला की संख्या 1,62,300 पार भले। पिछला 24 घंटा में भेल परीक्षण में 1,954 नया संक्रमित हवा लगले, कुल संक्रमित के संख्या 1,62,354 पहुँचल। हाल धर संक्रमित मुक्त होबे वाला के संख्या 1,21,824 पहुँचल। ठीक होबे वाला के दर 75% रहल, मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने। पिछला 24 घंटा में थप 11 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल, मंत्रालय जानकारी देने। इस संगे मृतक के संख्या 887 पहुँचल। हाल सक्रिय संक्रमित के संख्या 39,643 रहल। संक्रमित में से 290 गोटे के आईसीयू आ 72 गोटे के वेंटिलेटर में राखिक इलाज भ रहा, मंत्रालय जानकारी देने। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय दैनिक रूप में करत आयल कोरोना संबंधी वीडियो ब्रीफिंग के तालिका सेहो परिवर्तन करने। परिवर्तित तालिका अनुसार आप से हफ्ता के 2 दिन रवि दिन आ बुध दिन मात्र ब्रीफिंग करवाक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने। उक्त दिन समय साबिके के 4:30 से ब्रीफिंग शुरू होबाक बताल गेल। अन्य दिन ओके बारे में जानकारी मंत्रालय के वेबसाइट, वाइबर, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबक स्वास्थ्यक नामक मोबाइल ऐप वह में समय में अपलोड कैल जाय। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी कोरोना वायरस संक्रमण भेल। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत ट्वीट करते बैरागी अपने कोरोना संक्रमण देखल गेल जानकारी देने। वो अपन PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आयल जानकारी दैत अपने संग प्रत्यक्ष संपर्क में आयल सबके आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाबस सेहो आग्रह कने। पिछला समय सरकारक मंत्री सलाहक उच्च पदस्थ अधिकारी के कोरोना संक्रमण देखाब रहल समय ओ सेहो भेल। काठमांडू उपत्यका के समुदाय स्तर में तीव्र गति में कोरोना फैलय लगले, उच्च पदस्थ में सेहो धमाधम संक्रमित सब भरल। अर्थ आ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय आबवला अखार महीना भीतर में गरीब घर परिवार पहचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य संपन्न करवाक निर्णय कने। अर्थ मंत्रालय में बुधदिन संपन्न बैसार में गरीब घर परिवार पहचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 भीतर संपन्न कर आवश्यक व्यवस्था भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय मिलेबाक निर्णय भेल। बैसार से गरीब घर परिवार पहचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य संपन्न कर क्रियाकलाप सहितक समयबद्ध तालिका 1 हफ्ता भीतर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय तैयार करवाक निर्णय सेहो कयल गेल। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल गरीब तथा विभिन्न वर्ग के तथ्यांक नहीं भरा कारण राज्य के दिस सौ राहत तथा सहूलियत के कार्यक्रम संचालन कर समस्या भेला, वितरण कार्य सेहो उपलब्धि पूर्ण एवं प्रभावकारी हो बनी सकल बतौने। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमार अड़ियाल गरीबी घर परिवार परिचय पत्र के धार्मिक कार्यक्रम सब संचालन कला से स्रोत के सही सदुपयोग होबाक आ प्रभावकारी परिमाण एबाक सेहो बतौने। बैसार से घर परिवार सर्वेक्षण में झूठ व नकली तथ्यांक संकलन आ प्रविष्ट होब नहीं सकबाक विधि सहित नियमित रूप में अनुगमन करवाक संयंत्र विकास कर निर्णय सेहो भेल, मंत्रालय जानकारी देने। डडेलधुरा अस्पताल में आईसीयू नहीं भला का कारण कोरोना संक्रमित सबके इलाज नहीं भेट रहा, समस्या बढ़ल सेहो बताल जा रहा है। संघ सरकार माथत के सुदूरपश्चिम की एकमात्र अस्पताल में आईसीयू सेवा नहीं भला के कारण प्रदेश के अस्पताल में रेफर कर पड़वाक बाध्यता कायम रहा। डडेलधुरा की डडेलधुरा अस्पताल में आईसीयू नहीं भला के कारण कोरोना संक्रमित के इलाज नहीं भेटला के बाद समस्या बढ़ल। जिला सदर मुकाम के चर्चित व्यापारी आ जिला के एक सरकारी कार्यालय के प्रमुख के आईसीयू नहीं भेटला बाद जल्दबाजी में अन्य रेफर कर पड़ल बताओ जा रहा। संघ अंतर्गत के सुदूरपश्चिम प्रदेश के एकमात्र डडेलधुरा अस्पताल में ऑक्सीजन समेत नहीं रहला के कारण स्थानीय सबके समस्या भ रहा। तुरंत तपाईको यो भेन्टिलेटरको लागि
जो टेन्डर गरेछ टेन्डर गर्ने मान्छे सप्लायरसँग तुरुन्तै तपाईँको सप्लाई गरेर इन्स्टल गर्न सक्यो भने हाम्रो पहाडी साथै एउटा जिल्ला यो महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा चाहिँ यहाँ अब आइसियु भयो भेन्टिलेटरहरू छैनन् डडेलधुराका लागि भेन्टिलेटर आइसियु हुन एकदमै नितान्त आवश्यक छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कोरोना इलाजक लेल डडेलधुरा अस्पतालमै 3 करोड रकम पठाइएको सँगै आइसियु भेन्टिलेटर सहित अन्य व्यवस्थापनक लेल अस्पताल समय बजेट पठाउल गेलै छ। अस्पतालमै 5 भेन्टिलेटर सहित 15 आइसियुके व्यवस्थापनक लेल बजेट आयल आ दियाबातीके लगले आइसियु भेन्टिलेटर सहितके व्यवस्था हेबाक अस्पतालक सुप्रिन्टेन्ट डाक्टर जगदीश चन्द्र विष्ट बताउने छथ। अहिले तत्कालै चाहिँ आइसियु छैन, हामीले केही अपरेसन गरेपछि अप्ठ्यारो पर्ने बिरामीलाई भेन्टिलेटर त कहिलेकाहीँ युज गर्छौँ, तर कोभिड बिरामीको लागि आइसियु सेटअप छुट्टै गर्नलाई सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जिङ यहाँको ठाउँ छ। र अर्को चाहिँ सामान इक्विपमेन्टहरूको पनि टेन्डर चाहिँ भइसकेको छ र त्यो लगभग 15 दिनदेखि 1 महिनाभित्र चाहिँ सामग्रीहरू आइपुग्छ र तत्कालै इन्स्टलेसन हुन्छ। सुदूरपश्चिमी एखन प्रदेशकै रेफरल सेती प्रादेशिक अस्पताल महाकाली अस्पतालमै थप आइसियु बेड थपाक तयारी भेला बादो देरी भेलाको कारण गम्भीर प्रकृतिकै रोगीकै अन्यत्र रेफर गर प्रभावको बाध्यता कायमै रहेछ। डडेलधुरा ललित बोहराक रिपोर्ट। कपिलवस्तुकै कृष्णनगरमै एक अज्ञात व्यक्तिकै मानव कङ्काल भेटलै छ। कृष्णनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 गुरुद्वार नजिकै रहल नन्दलाल अग्रवालकै पुरान टुटल घरमै मानव कङ्काल भेटल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुकै प्रहरी नायब उपेक्षक धर्मराज भण्डारी जानकारी दिनेछ। उक्त भवनमै पहिचान खोज नसकल अवस्थामै मानव कङ्काल तथा अस्थिपञ्जर भेटल प्रहरी उपेक्षक भण्डारी बताउनेछ। कङ्कालकै थप अनुसन्धानको लेल फोरेन्सिक टेस्टकै लेल शिवराज अस्पताल बहादुरगंज पठाउल गेल। इलाका प्रहरीकाले कृष्णनगर जानकारी दिनेछ। कङ्काल भेटल घरमै बितल 20 वर्ष एम्हर कोही नै रहेछ, सब छोडि दिनेछ। ज्याला मजदुरी करौला कामदारकै कङ्काल देख्ला बाद प्रहरीकै खबर कनेछ। कृष्णनगर बजार भारतीय सीमासँग सटल जिल्लाकै मुख्य नका रहला छ। एहन घटना सबमै व्यापारीमै तरास फैलल। कृष्णनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ पूर्व अध्यक्ष गुरु शरण सिंह जानकारी दिनेछ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर सप्तरीकै सप्तकोशी नगरपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकै सेवा सब स्थगित कयल गेलैछ। नगरपालिका बुधिन सूचना जारी गरेर बितल 4 र 7 गते कराउल गेल परीक्षण छ। 21 गोटमै कोरोना संक्रमण देखल गेला बाद कार्तिक 18 गते मंगल दिन धरिक लेल अत्यावश्यक बाहेकै सेवा सब स्थगित कयल गेलैछ। कार्यालय माथतकै वडा कार्यालयसँग प्रवाह होबवला अत्यावश्यक बाहेकी सेवा सब सेहो स्थगित कयल गेल बताओल गेलैछ। तोनाकक समुदाय स्तरमै फैलल संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर वार्ड नम्बर 10 आ 11 मै पूर्ण रूपमै लकडाउन सिल कयल गेल सूचनामै उल्लेख छ। दोसर सूचना जारी नै होबधरि कोरोनासँग बचक लेल उच्च सतर्कता अपनाऊ तथा स्वास्थ्य मापदण्डकै पालना गर नगरपालिका आग्रह समेत गर्ने छ। नेपाल बैङ्कर्ससँग कोरोना जोखिम बढ़ैत गेला छ। पावन तिहारकै समयमै डिजिटल दक्षिणा आ डिजिटल बैंकिङ कारोबारमै जोड देव सर्वसाधारणकै आग्रह गर्ने छ। कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणकै लेल सङ्घ डिजिटल कारोबारमै प्रोत्साहन सेहो गर्ने छ। नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ़ैत गेला बाद जोखिम न्यूनीकरणकै लेल कहित पावन तिहार लगायत अन्य सबमै डिजिटल दक्षिणा आ कारोबारमै जोड देव सर्वसाधारणकै आग्रह गर्ने छ। सङ्घ बैङ्कके कर्मचारी समेत कोरोना संक्रमणकै दर दिन प्रतिदिन बढ़ैत गेलाके कारण ग्राहकके भौतिक उपस्थितिसँग बैङ्कमे थप जोखिम नै बढाव दिस आग्रह कयने छ। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणकै लेल डिजिटल बैङ्किङके अधिकतम प्रयोग गर सङ्घ अनुरोध कयने छ। ग्राहक महानुभावहरूले पनि यसको चाहिँ महत्व बुझ्नु भएको छ कि नोटमा चाहिँ कोरोना भाइरस नोटबाट संक्रमण बढ्न सक्ने भन्ने पनि हामीले कतिपय न्युजहरू पढिराखेका छौँ। फेरि प्लस एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि पब्लिकहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सन हुन सक्ने रिस्कहरू हुनसक्छ, होइन? जुन हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ भनौँ, भिडभाड नगरौँ भनौँ, तथापि केही भिडभाड हुनसक्छ, डिस्टेन्स कम हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मोबाइलबाट हामीले पेमेन्ट गर्न सक्यौँ भने एकदमै राम्रो उपलब्धि हुन्छ। कोरोनाकै कारण यही वर्ष 10वीं लक्षित कक बैङ्क सब डिजिटल दक्षिणा भुक्तानीकै प्रोत्साहन गरेर विभिन्न अफर तथा योजना सब समेत बजारमै ल्याउनेछ। सेवा प्रदायक सब क्यासब्याक अफर, अनलाइन सपिङ क्लास, छुट अफर, बोनस अफर लगायतक योजना सब आगु बढाउनेछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क डिजिटल पेमेन्टकै सेवा प्रदायक प्रभु पे, ई सेवा, आइएमई पे, खल्ती .com लगायतक सहकार्य गरेर बजार विस्तारक लेल सहजीकरण गर्नेछ। अहिलेको परिस्थिति जटिल छ, हेर्नुहोस्, सामान्य परिस्थितिमा हामी छैनौँ। सम्भव भएसम्म हामीले सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने, हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने,
विभिन्न किसिमबाट सतर्कता अप्नाउनु पर्ने अवस्था छ। संघ डिजिटल प्रणाली के प्रवर्धन करैत नोट के कारोबार के विस्थापित करवाक रणनीति अपनाव प्रभाव के जानकारी देने जाहि अनुरूप एखन बैंक सब चेक प्रयोग नहीं कक अपन मोबाइल बैंकिंग एप में लॉगिन कक खाता से रकम निकाल भुगतानी कर मोबाइल बैंकिंग के पिन नंबर बिरसल तक घरे से पिन रिसेट कर सकवाक डिजिटल सहायता केन्द्र लगातक व्यवस्था सेहो कने। काठमांडू से रूपा घिमिरे रिपोर्ट। बंदाबंदी के अवस्था बाद आर्थिक क्रियाकलाप में आयल संकुचन उत्पादन बाजार आमदनी में प्रभाव पड़ल। कोरोना जोखिम बढ़ लगले पूंजीगत खर्च कई कमजोर अवस्था के सुधार कर प्रभाक लेल नीतिगत प्रबंध कर प्रभाक आवश्यकता सेहो रहल। एखन विष्णु पौडेल अर्थ मंत्रालय के बागडोर सम्हारने छथ। सहज अवस्था में समेत नेपाल के पूंजीगत खर्च कमजोर भेला के कारण आर्थिक विकास सोचल अनुरूप गति लेव नहीं सक रहा समय कोविड 19 से सृजना कल गल चुनौती के सामना करते कोनो भी आयोजना के निरंतरता द खर्च बढ़ावा एखन सक पड़त। अर्थमंत्री पौडेल सेहो पूंजीगत खर्च के कमजोर अवस्था के सुधार कर कानूनी या नीतिगत प्रबंध सबके सच्याव पड़वाक आवश्यकता देखते दे। पूंजीगत खर्च के कमजोर अवस्था में उल्लेखे सुधार लाभ हुनकर दावी छन्। हामीले चाहिँ कोभिडले सृजना गरेका चुनौतीलाई सामना गर्ने अलगै हाम्रो योजना रहन्छ। त्यसबाहेक हाम्रा कतिपय प्रबन्धहरू कानुनी नियमगत प्रबन्धहरू छन् वा अरू चिजहरू पनि छन् जसले चाहिँ हाम्रो पूँजीगत खर्चमा बाधा सृजना गरिएको छ भनेदेखि ती चिजहरूमा पनि हामी चाहिँ समग्रतामा समीक्षा गर्छौँ र आवश्यक निर्णय लिँदै हामीहरू अगाडि बढ्छौँ र पूँजीगत खर्चको यो कमजोर अवस्थामा पनि हामी उल्लेखनीय सुधार ल्याउँछौँ। राजस्व परिचालन के पाटो सेहो कोरोना के जोखिम संगे चुनौतीपूर्ण रहलै छ। बन्दाबन्दी के बाद आर्थिक क्रियाकलाप संकुचन एवं उत्पादन बजार आमदनी में पड़ल प्रभाव के सुधार कक ज्या प्रभाव देखल गेलै छ। स्वास्थ्य सतर्कता अपनबैत उत्पादन क्रियाकलाप सबके आगू बढ़ेबाक आ रोजगारी प्रवर्धन में जोर देबाक अर्थमंत्री पौडेल बतबैत छ। सरकार और राज्य के विभिन्न निकाय समय खर्च के संबंध में मितव्याप्ता अपनेबाक विषय में सेहो मंत्री पौडेल जोर देने छ। पहिलो त्रैमासिकको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि हामी राजस्वको जुन लक्ष्य हो त्यो लक्ष्यको नजिक नै पुगेका छौँ। केही तल छौँ, केही तल छौँ, तर हामी नजिक पुगेका छौँ पहिलो कुरा यो। र हामी बाँकी समयावधिलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै उत्पादनका क्रियाकलापहरूमा जोड दिने, रोजगारी प्रवर्धनमा जोड दिने र आर्थिक क्षेत्रको जुन संकुचन छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनका निम्ति पहल गर्ने त्यो चाहिँ तयारीमा त्यो मनस्थितिमा हामी छौँ। कोरोना के बाद शिथिलता, वैदेशिक व्यापार घटा, अनौपचारिक अर्थतंत्र के विस्तार, बढ़ल बेरोजगारी संगे कोरोना के चपेटा सब बढ़वित लगे गरीबी के संख्या अर्थतंत्र के मुख्य चुनौती है। ये सब विषय के जोड़ दैत अर्थमंत्री पौड़ेल आर्थिक क्षेत्र के सुधार में अलगे रणनीति तय करवाक में जोर देव पड़त। हरिशरण न्यौपाने, काठमांडू। चीन रूस अपन देश में बनल कोरोना भाइरस विरुद्ध के वैक्सीन ट्रायल समापन से पहिने स्वीकृति क प्रयोग में लौने। बीतल सप्ताह मात्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन पिप्टाइड में आधारित तो दोसर कोरोना भाइरस के खोप के स्वीकृति देने बताल गए। ये एक साइबेरियन बायोटिक कंपनी निर्माण करने खोप है। रूस में जेहने चीन में सेहो मंगल दिन से मात्र करीब 60,000 नागरिक के देश में बनल खोप लगाल गए। राष्ट्रीय संचार माध्यम सीजीटीएन जानकारी देने। चीनक विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के अधिकारी तियान बाउगुओ के अनुसार खोप निर्माणक कार्य में चीन एखन 14 वैक्सीन सहित विश्व में सबसे अगाड़ी रहल बताओ जा रहा है। चीन वर्षक अंत्य धरि में कोरोना भाइरस के 61,000 डोज उत्पादन करवाक अपेक्षा सेहो रखने। खोप के अत्यधिक पैघ मांग पूरा करक लेल आबवला वर्ष आरो पैघ स्तर में उत्पादन शुरू करवाक बताओ जा रहा है। आप खेलकूद समाचार। मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेट के प्लेऑफ नजदीक पहुंचल। अबुधाबी में बुध दिन रात भेल खेल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 5 विकेट से हरबैत मुंबई प्लेऑफ नजदीक पहुंचल। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में बैंगलोर देने 165 रनक लक्ष्य के पछुआबैत मुंबई 19/1 बॉल में 5 विकेट के क्षति में पूरा कने छल। मुंबई के जीत में सूर्य कुमार यादव अभिजीत रहित
79 रनकै अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्न छला। तेनेकक ईशान किशन 25 रन जोडैत क्विन्टन डिकक 18 रन जोड्ने छला। हार्दिक पाण्ड्या 17 रनमै आउट होइत समय कुणाल पाण्डे 10 रन बनाउने छला। यसै पनि टस हारिक पनि ब्याटिङ गर्ने बेङ्गलोर 20 ओभरमै 6 विकेटकै क्षतिमै 164 रन बनाउने छला। जितसँगै मुम्बई बेङ्गलोरसँग पिछला भेटमै भेल हार के बदला समेत लेने ऐसा पहिने के खेल में बेंगलोर मुंबई के सुपर ओवर में पराजित करना छा। जीत के बाद मुंबई 12 खेल में 16 अंक जोड़ने ऐसा आठम जीत निकालने मुंबई शीर्ष स्थान में थाबत रहा ऐसा। बेंगलोर 12 खेल में 14 अंक जोड़े बेंगलोर दोसरे स्थान में रहा ऐसा। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से पेर। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित होवला के संख्या 162,300 पार 39,643 गोटे सक्रिय संक्रमित। डडेलधुरा अस्पताल में आईसीयू सेवा नहीं रहला कारण कोरोना संक्रमित के इलाज नहीं होब सकल। गंभीर प्रकृति के रोगी के दोसर ठाम रेफर कर पड़वाक बाध्यता। पावन तिहार समय में दक्षिणा बैंकिंग कारोबार में डिजिटल प्रविधि अपनाव नेपाल बैंकर संघ को जोड़। कोरोना जोखिम न्यूनीकरण के लिए डिजिटल कारोबार में प्रोत्साहन। कोरोना भाइरस विरुद्ध के वैक्सीन ट्रायल समापन से पहले है प्रयोग में लाउल गेल। वर्षक अंत धरि 61 करोड़ डोज उत्पादन करवाक सीनक अपेक्षा। आ मुंबई इंडियन इंडियंस प्रीमियर लीग आईपीएल की T20 क्रिकेट के प्लेऑफ नजदीक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 5 विकेट से हरौलक। एखनुक लेल मैथिली समाचार पे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार .com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।